Hello and welcome back to our YouTube channel GNC Nursing Coaching. In this video lecture, we are going to discuss a very important topic from OBG, that is a implantation. Implantation hota kya hai? Iske uddeshya kya hai? Kab implantation hona chalu hota hai? Kitana din implantation mein lagta hai? Aur iske uddeshya kya hai? Uske saath saath iski theory kya hai? Kahan par implantation hota hai? Sabhi pointon ko iske andar hum discuss karenge. तो इम्प्लांटेशन इज आल्सो नोन एज निडेशन और नेस्टिंग. इम्प्लांटेशन को अपन निडेशन भी बोलते हैं और नेस्टिंग भी बोलते हैं. एंड द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन इज टू रिसीव द न्यूट्रिशन, यानी बच्चे के द्वारा अच्छी तरीके से माँ से न्यूट्रिशन को रिसीव किया जा सके, इसलिए इम्प्लांटेशन होना बेहद ज़रूरी है. इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम 6 डे ऑफ प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन एंड कंप्लीट एट 11th डे. कहने का मतलब जो इम्प्लांटेशन है वो जब कोई फीमेल होती है, जब प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है, प्रेगनेंसी के कंसीव करने के 6 डे से इम्प्लांटेशन होना चालू हो जाता है और 11वें दिन पर इम्प्लांटेशन होना ख़त्म हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है. इट टेक्स अबाउट 6 डे टू इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन होने के लिए टोटल 6 डे या 6 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें जो 6 डे है, 6 डे को भी क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं, इसलिए टोटल 6 दिन लग रहे हैं. इम्प्लांटेशन स्टार्ट फ्रॉम ब्लास्टुरा या ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, बिकॉज एट 5th डे द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टुला फॉर्म. होता क्या है कि जो एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, और ये पाँचवें दिन बनता है. इसलिए इम्प्लांटेशन होना ब्लास्टुला से चालू हो जाता है और 11वें दिन ये कंप्लीट हो जाता है. एम्ब्रियोलॉजी को बड़े डिटेल से डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट, हार्टमान साइन इज द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन. जब इम्प्लांटेशन होता है तो थोड़ी सी फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग को हार्टमान साइन के नाम से जानते हैं. इम्प्लांटेशन अकर नियर द फंडस, अपर पार्ट ऑफ द यूटरस और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूटरस. जो इम्प्लांटेशन होता है यूटरस में सबसे ऊपर साइड या टॉप साइड पर क्या होता है, फंडस होता है. नियर बाय फंडस इम्प्लांटेशन होता है या अपर पार्ट ऑफ द यूटरस, यूटरस के सबसे ऊपर पार्ट में होता है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूटरस या यूटरस के पोस्टीरियर पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है. एंड द इम्प्लांटेशन इज एक्सप्लेन्ड बाई अ थ्योरी. इम्प्लांटेशन को एक थ्योरी के नाम से या एक थ्योरी से इसको डिस्कस किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, और उस थ्योरी का नाम है आपी, AAPI. यहाँ पर ए का नाम है अट्रैक्शन, दूसरे ए का नाम है अड्रेशन, नेक्स्ट पी है, पी से होता है पेनिट्रेशन, और आई से क्या होता है इन्वेजन. सबसे पहले यूटस अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो मटेरियल है वो अडियर होता है, अडियर होने का यानी जो प्लेसेंटा है वो अडियर होता है. अडियर होने के बाद ये पेनिट्रेट करता है, यानी कहने का मतलब उसमें जो एंडोमेट्रियम है इसमें पेनिट्रेट हो जाता है. पेनिट्रेट होने के बाद अंदर क्या करता है, इन्वेजन करता है. नेक्स्ट बात करते हैं, द एंडोमेट्रियम ऑफ फीमेल इन प्रेगनेंट कंडीशन इज कंसिडर्ड एज डैशवेज. जो फीमेल है अगर ये प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है तो जो इसकी एंडोमेट्रियम होती है उसे डेसीडुआ के नाम से जानते हैं. तो ये हो गई जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो पूरा का पूरा इम्प्लांटेशन के बारे में था. आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में ज़रूर आया होगा. अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.